हेलो फ्रेंड्स, अगले वाले टॉपिक की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है कि टेस्ट द इम्प्रॉपर इंटीग्रल, और आपको इम्प्रॉपर इंटीग्रल दे रखा है, वो दिया हुआ है इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एम एक्स, ई की पावर माइनस के एम एक्स इंटू डी एक्स। ओके, तो मैंने इसके ऊपर सीधा कंसेप्ट लगाया, मेरे पास ये निकल करके आया बेटा। लास्ट लेक्चर्स अगर आपने मेरे देखे हो तो ये बात आपकी समझ आ जाएगी। ये हुआ लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी, रख लो टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी 0 to t ई की पावर माइनस के एम एक्स इंटू डी एक्स बराबर। ये हुआ लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी ई की पावर एम एक्स का इंटीग्रेशन किया, ई की पावर माइनस के एम एक्स अपॉन माइनस के एम, लिमिट कितनी है 0 से t बराबर। लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी तो है ही, माइनस के 1 अपॉन m तो बाहर निकल गया। ये हुआ ई की पावर माइनस एम एक्स, लिमिट हुई 0 से t। ओके, बराबर निकल करके आया लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और ये निकला माइनस के 1 अपॉन m, यहाँ से निकला ई की पावर माइनस के एम टी माइनस ई की पावर 0 बराबर। माइनस के 1 अपॉन m तो बाहर, लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस के एम टी माइनस के 1, क्लियर है ना बेटा। तो यहाँ से निकला ई, जब मैं इन्फिनिटी डाल लूँगा टी की वैल्यू, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी जो निकल करके आता है वो होता है 0, 1 अपॉन इन्फिनिटी होता है, और 1 अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू होती है 0। ओके, आप समझते हो इस चीज़ को। जैसे ही मैं यहाँ लिमिट पुट करूँगा ये निकल करके आएगा माइनस के 1 अपॉन m ई की पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस के 1 बराबर हो जाएगा माइनस के 1 अपॉन m ई की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू 0 माइनस के 1 बराबर। कितना होगा बेटा, ये होगा 1 अपॉन m, और 1 अपॉन m कैसी वैल्यू है, एक फाइनाइट वैल्यू है। सो दैट आप क्या कहोगे, सो दैट द इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट, क्या निकल करके आएगा, सो दैट द इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट, और यही आपका आंसर होगा। ये वैल्यू अगर इनफाइनाइट निकलती है तो डाइवर्जेंट है, अगर फाइनाइट निकलती है तो कन्वर्जेंट है। आगे की तरफ चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि अब की बार आपको चेक करना है इम्प्रॉपर इंटीग्रल, और किसका चेक करना है भाई, 0 to infinity टी, और ऊपर मैंने क्या किया, यहाँ एक्स भी है बेटा, एक्स डी एक्स बटे 1 + k x² मैंने इसको ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दिया, ये निकल करके आया 1/2, और यहाँ चाहो तो आप लिमिट लिख सकते हो, लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और ये हुआ 0 to t, और मैंने 2x मेरा पास यहाँ निकल करके आया बटे 1 + k x² इंटू डी एक्स। अब बेटा ये इंटीग्रेशन देखो, 2x/1 + x², और ये लिमिट है a to t। ये वाला इंटीग्रेशन देखो आप, सबसे पहले इसकी बात करता हूँ, लिमिट तो यहाँ लगी हुई है ही, मेरे को कैलकुलेट करना है इंटीग्रेशन 2x/1 + k x² इंटू डी एक्स। मैंने क्या किया, मैंने सुपोज किया कि सुपोज दैट 1 + x² = जो है पी है, तो मेरे पास कितना निकल करके आया बेटा, 2x dx = कितना होएगा, डी पी होएगा। जैसे ही मैंने इस इंटीग्रेशन की वैल्यू डाली, ये निकल करके आया मेरे पास डी पी बटे, मेरे पास नीचे आ चुका पी, डी पी बटे पी का इंटीग्रेशन कितना होता है, लॉग पी, लॉग पी की मैंने वैल्यू डाली कितना निकला, 1 + k x²
निकल गया ना, यानी ये जो इंटीग्रेशन निकल करके आया लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर आया। अब मैंने इसकी वैल्यू डाल दी सारे की, मेरे पास ये निकला बेटा लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो ये निकला एक बटे दो ये है, अंदर इंटीग्रेशन कितना हुआ मेरे पास बेटा लॉग वन प्लस के एक्स स्क्वायर हुआ, और लिमिट कितनी हुई ए से लेकर टी तक। तो यहाँ से मेरे पास कितना निकल करके आया एक बटे तो है ही ये, और मैं जब इसकी लिमिट पुट करूँगा बेटा, मैं इसकी लिमिट पुट करी एक बटे दो तो ये है ही, लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी है लॉग एक्स की जगह टी वन प्लस के टी स्क्वायर आया, माइनस के लॉग एक्स की जगह बनाया सॉरी ए आया वन प्लस के ए स्क्वायर। मेरे ख्याल से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जैसे ही मैं टी को इन्फिनिटी टेंड करूँगा निकल करके आ गया एक बटे दो लॉग वन प्लस इन्फिनिटी माइनस लॉग वन प्लस के ए स्क्वायर। आप जानते हो लॉग इनफाइनाइट इज इक्वल टू होता है हमेशा इनफाइनाइट, सो दैट फाइनल वैल्यू निकल करके आएगी इनफाइनाइट। आप क्या कहोगे डाइवर्जेंट। ओके अगर आपको कोई डाउट है कोई प्रॉब्लम है यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि चेक द कन्वर्जेंस ऑफ जीरो टू इन्फिनिटी है, क्वेश्चन नंबर फोर है, आपको चेक करना है जीरो टू इन्फिनिटी पे, जीरो टू इन्फिनिटी है डी एक्स बटे वन प्लस एक्स की पावर थ्री। ओके इसको चेक करना है ये कन्वर्ज है कि डाइवर्ज है। सेम कंसेप्ट लगाया लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी आपके सामने है, ये निकल गया जीरो टू टी डी एक्स बटे वन प्लस एक्स की पावर थ्री। इसको लिखा जा सकता है बेटा लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन ज़ीरो टू टी वन प्लस एक्स की पावर माइनस थ्री इंटू डी एक्स। डायरेक्ट फार्मूला लगाया निकल करके आया लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी वन प्लस एक्स की पावर माइनस थ्री प्लस वन बटे माइनस थ्री प्लस वन। लिमिट कितनी है ज़ीरो से टी, कितना निकला भाई ये निकला माइनस एक बटे दो तो ये हुआ, लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी है ये निकल गया वन प्लस एक्स की पावर माइनस के दो, और लिमिट है ज़ीरो टू टी बराबर निकला माइनस एक बटे दो तो है ही, ये हुई आपकी लिमिट, और एक्स की जगह मैंने वैल्यू पुट करी ये कितना निकला वन प्लस टी की पावर माइनस के दो, और नीचे निकल गया माइनस का कितना वन, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वन आ चुका ना। फिर मैंने इसके अंदर वैल्यू डाली ये निकल करके आया बेटा माइनस एक बटे दो। थोड़ा सा और चेक करता हूँ लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी तो है ही, यहाँ से कितना निकलेगा वन अपॉन वन प्लस के टी का कंप्लीट स्क्वायर माइनस के वन। जब टी को इन्फिनिटी डालूँगा निकल करके आएगा एक बटे दो वन अपॉन वन प्लस के इन्फिनिटी का स्क्वायर माइनस के वन, ये कितना हो जाएगा वन अपॉन इन्फिनिटी बराबर होता है ज़ीरो के, निकल करके आएगा माइनस एक बटे दो ये निकलेगा ज़ीरो माइनस के वन बराबर। फाइनली कितना निकला प्लस का एक बटे दो निकला, यानी प्लस का एक बटे दो होने का मतलब मेरे पास फाइनाइट क्वांटिटी निकली, और अगर क्वांटिटी फाइनाइट है तो मेरा इंटीग्रेशन क्या होता है कन्वर्जेंट। बच्चों वाले सवाल है इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन के अंदर, आगे की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आपको चेक करना है आपकी बात कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी चेक करनी है, आपको किसकी चेक करनी है। क्वेश्चन आपका ये है इंटीग्रेशन ऑफ ज़ीरो टू इन्फिनिटी डी एक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस के फोर ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस के फोर ए स्क्वायर। आप इसको लिख सकते हो बेटा लिमिट उसी तरीके से सेम मेथड टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी ज़ीरो टू टी डी एक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस के
टू ए का स्क्वायर, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, आपको भी पता है, निकल करके आएगा लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है कितना होता है बेटा, वन अपॉन टू ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, टेन इनवर्स एक्स अपॉन टू ए, लिमिट कितनी है ज़ीरो टू टी। मैंने लिमिट पुट करी, रिजल्ट देखता हूँ कितना निकला, वन अपॉन टू ए तो बाहर आ चुका, ये हुआ मेरा लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और यहाँ मेरे पास निकल करके आया बेटा टेन इनवर्स टी अपॉन टू ए माइनस टेन इनवर्स ज़ीरो। अब जैसे इन्फिनिटी पुट करूँगा कितना निकल करके आएगा, टेन इनवर्स इन्फिनिटी आप भी जानते हो ये होता है पाई अपॉन टू, पता है आपको फार्मूला, टेन इनवर्स ज़ीरो ज़ीरो होता है। मेरे पास कितना निकला एक बटे दो ए तो ये निकला इन टू, ये वैल्यू कितनी निकल गई लिमिट डालने के बाद पाई अपॉन टू, कितना निकला भाई पाई अपॉन फोर ए, कैसी वैल्यू है फाइनाइट है, और जब फाइनाइट आ चुकी आप क्या कहोगे कन्वर्जेंट। क्लियर है ना, फिर भी आपका कोई डाउट हो कोई प्रॉब्लम हो यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले वाला क्वेश्चन है कि चेक द कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, और क्वेश्चन दे रखा है आपकी बार ज़ीरो टू इन्फिनिटी, ज़ीरो टू इन्फिनिटी है, e की पावर टू एक्स है और डी एक्स है। देखो बेटा क्या होगा, मैंने वही कंसेप्ट लगाया, ये मेरे पास निकल करके आएगा लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी, टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और ये हुआ ज़ीरो टू टी e की पावर टू एक्स डी एक्स बराबर, ये मेरे पास निकला बेटा लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी तो है ही, e की पावर टू एक्स का इंटीग्रेशन कितना हुआ e की पावर टू एक्स अपॉन टू, लिमिट कितनी है ज़ीरो टू टी, यहाँ से मेरे पास निकल करके आया लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी तो है ही, एक बटे दो ही आ चुका ई की पावर टू टी माइनस ई की पावर ज़ीरो, ई की पावर ज़ीरो की वैल्यू वन होती है, मैंने वैल्यू डाली ये निकला एक बटे दो तो ये निकला ई की पावर इन्फिनिटी माइनस ई की पावर ज़ीरो, ई की पावर इन्फिनिटी इजिकल टू इन्फिनिटी होता है, ये निकल करके आया वन अपॉन टू इन्फिनिटी माइनस वन, इन्फिनिटी में से कोई भी क्वांटिटी घटाते हैं तो इन्फिनिटी आता है, इन्फिनिटी आ चुका तो डाइवर्जेंट। आपके सामने है रिजल्ट, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया टॉपिक है ये। अगले वाला है आपको फिर एग्जामिन करना है, और एग्जामिन करना है कि भाई ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। क्वेश्चन आपका ये है, लिमिट कहाँ से कहाँ तक दे रखी है दिख नहीं रहा यार, टू टू इन्फिनिटी है क्या, एक मिनट रुको बच्चों कुछ प्रॉब्लम आ रही है। ओके टू टू इन्फिनिटी है क्वेश्चन मेरा, ये दे रखा है बेटा एक और लिमिट है दो से लेकर इन्फिनिटी तक, और ये कह रहा है डी एक्स बटे एक्स माइनस के दो का कंप्लीट स्क्वायर, सेम कंसेप्ट, क्या करोगे आप लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी कितना हुआ ज़ीरो टू टी डी एक्स बटे एक्स माइनस टू का स्क्वायर, इसको लिखा जा सकता है लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी ज़ीरो टू टी एक्स माइनस दो की पावर माइनस दो इंटू डी एक्स, यहाँ से कितना निकल करके आया बेटा लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी, कितना निकल करके आया इंटीग्रेशन एक्स माइनस दो की पावर माइनस दो प्लस वन बटे माइनस दो प्लस वन, लिमिट कितनी है ज़ीरो से टी बराबर, कितना निकला माइनस तो ये निकल चुका, लिमिट हुई कितनी टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी वन अपॉन वन प्लस एक्स हो चुका, लिमिट हुई टू टू टी है ये, लिमिट कितनी हुई टू टू टी, टू माइनस एक्स है ना, टू माइनस एक्स है ना, ये हो गया टू माइनस के एक्स टू टू टी,
यही है ना, वैल्यू डालता हूँ, रिजल्ट निकालता हूँ, यहाँ से मेरे पास कितना निकल करके आया बेटा, और ये माइनस आया जब टी की वैल्यू डाली, वन अपॉन टू माइनस के टी, माइनस जब एक्स की वैल्यू डाली तो कितना निकल करके आया बेटा, जब एक्स की वैल्यू ये वाली डाली, कितनी डाली मैंने, दो डाली, तो दो माइनस दो वन अपॉन दो माइनस दो यानी ज़ीरो, फाइनली कितना निकला, ध्यान से देखो आप, देखो आप, जब x की वैल्यू t डाली, टू माइनस के टी, जब x की वैल्यू दो डाली, वन अपॉन ज़ीरो यानी इन्फिनिटी आ चुका, इन्फिनिटी अगर है तो डाइवर्जेंट, आपके सामने है रिजल्ट। अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये कहना चाह रहा है भाई कि आपके पास अगला क्वेश्चन है जिसको कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी चेक करनी है, ज़ीरो टू इन्फिनिटी आपके पास डी एक्स है बटे वन प्लस एक्स की पावर तीन बटे दो है, दो बटे तीन है कि तीन बटे दो है, चेक करता हूँ एक बार, एक्स की पावर है हमारे पास